बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और झारखंडी जोहार के साथ आज मिलते हैं आपको बाबा धाम की नगरी, विश्व प्रसिद्ध पेड़ा नगरी घोरमारा में। और आज सावन की तीसरी सोमवारी है और आज हम आपको विश्व प्रसिद्ध पेड़ा नगरी घोरमारा सावन में क्या दृश्य रहता था और अभी का क्या दृश्य है लॉकडाउन लगने के बाद। सावन तो इस तरह चल नहीं रहा है और वहाँ की स्थिति क्या है वहाँ के दुकानदारों की, मैं आप लोग को आज की ब्लॉग में दिखाऊंगा। और आज मैं सीधे चलता हूँ बाबा धाम की विश्व प्रसिद्ध पेड़ा नगरी घोरमारा में और चलिए मिलते हैं आगे। आज की राइड की शुरुआत भोलेनाथ के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अभी हम लोग विश्व प्रसिद्ध पेड़ा नगरी घोरमारा की ओर जा रहे हैं, जो देवघर से निकलने के बाद बासुकीनाथ जाने के क्रम में एक गांव पड़ता है जो पेड़े के लिए बहुत ही मशहूर है और यहां का पेड़ा विश्व में प्रसिद्ध है। आज वहां जा रहे हैं और सावन में यहां का एक नज़ारा अलग ही रहता था। इसको तो कांवरिया लोग, श्रद्धालु लोग छोटी मुंबई के नाम से भी पुकारा करते थे। अभी हम लोग पेड़ा नगरी घोरमारा पहुँचने वाले हैं और ये पहुँच ही गए विश्व प्रसिद्ध पेड़ा नगरी घोरमारा। यहाँ देखें तो सावन में यहाँ पे लंबी लंबी कतारें रहती थी गाड़ियों की और भीड़ प्रसाद लेने के लिए, पेड़े को लेने के लिए अत्यधिक श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ की हर एक दुकान बंद है, कोई कुछ से कुछ का धंधा खोला हुआ है, कुछ दुकानें हैं जो खुली हुई हैं, किसी तरह चल रहा है जैसे देख रहे हैं आप लोग। स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है कोरोना महामारी को लेके और ये लॉकडाउन को लेके। पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण सावन नहीं चला, आर्थिक क्षति यहाँ के दुकानदारों को बहुत ज़्यादा सहनी पड़ रही है। जैसे मालूम चला हम लोगों को, पीछे एक जगह हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, तो वहाँ पता चला करीबन यहाँ 200 से 250 दुकान है। अभी देख ही लीजिए यहाँ पे तो अधिकतर दुकान बंद ही है। एक सामने नज़र आ रहा है के मंडल पेड़ा भंडार, चलिए वहाँ पे रुकते हैं और यहाँ के दुकानदार से जानकारी लेते हैं क्या है स्थिति के मंडल जी पेड़ा भंडार के पास। पेड़ा भंडार के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ जानेंगे यहाँ के दुकानदार से कि यहाँ की स्थिति क्या है। और चलिए हम मिलते हैं दुकानदार से। हेलो, ये जो दिख रहे हैं ये के पेड़ा भंडार के संचालक हैं और मैं इनसे जानूंगा कि सावन नहीं चलने से यहाँ की स्थिति क्या है। आप थोड़ा बताएंगे क्या स्थिति आप लोगों की है अभी? हम लोग का स्थिति अभी बहुत ख़राब चल रहा है, भुखमंगी कंगार पे आ गए हैं, रोड पे आ गए हैं, 2 साल सावन नहीं हुआ है। चलिए, 2 साल से सावन नहीं चला है कोरोना काल में, स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है इन लोगों की। चलिए फिर आगे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और चौथे सोमवारी में फिर आपको दिखाऊंगा कुछ और अलग। चलते हैं आगे, बाय। आई होप आप लोग कोरोना में अच्छा रहें, सुरक्षित रहें।